महादेव। तो दोस्तों मेरा सफ़र शुरू हो चुका है, अभी मैं ऑटो में जा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन ट्रेन है मेरा 5:35 का, ट्रेन का नाम है संपर्क क्रांति। यहाँ पे तो गर्मी है और जहाँ मंदिर है वहाँ तो वो ठंडी है। जाएंगे, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ केदारनाथ दर्शन करने के लिए, मज़ा आएगा। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, बांद्रा टर्मिनल पहुँच चुका हूँ, ट्रेन भी लग चुकी है। ट्रेन का नाम है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, बहुत ही फास्ट ट्रेन है। जाता हूँ सीट पे बैठता हूँ। तो दोस्तों अभी सीट पे बैठ चुका हूँ, हाँ रिलैक्स। ये ट्रेन है, दिल्ली तक सफ़र है लेकिन गर्मी बहुत है। मैं इसी कोच में ट्राई किया टिकट लेकिन नहीं हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे स्लीपर कोच में जाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन के एकदम आगे साइड, देख सकते पूरा ट्रेन रेलवे स्टेशन। तो ये है ट्रेन का लास्ट कोच, बांद्रा संपर्क क्रांति। और देखो ट्रेन इंजन भी आ रहा है जो इसमें अभी कनेक्ट होएगा, यही ट्रेन इंजन इसको खींच के दिल्ली लेके जाएगी, कनेक्ट होएगा। और ये मैं हूँ, मज़ा आएगा सफ़र में। तो देखो ट्रेन इंजन भी आ रहा है, WCR। हो गया तो मिशन सक्सेसफुल, ट्रेन इंजन कनेक्ट हो गया ऑल दी कोच। जनरल कोच और मैं जा रहा हूँ अपने आगे वाले कोच पे। सो गाइस खाने पीने का सामान यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने लिया छाछ क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो दोस्तों ट्रेन को छूटने में आधा घंटा और है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ केदारनाथ मंदिर, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके पहले मैं गया था त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो मैं बोला था केदारनाथ भी जाऊँगा, तो भगवान ने बुला लिया, अच्छे से दर्शन करेंगे, मज़ा आएगा। और 2013 में जब वहाँ पे बाढ़ आया था तो बहुत ही रोंगटे खड़े हो गए थे वहाँ का वीडियो देख के, इस बार सब अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉगी भी है जो बम स्पॉट, बम का टाइम चालू है तो सिक्योरिटी को लेके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 5:30 और ट्रेन अभी चलेगी। अरे स्टार्ट हो गया ट्रेन स्टार्ट हो गया, सब भाग रहे, मैं भी चढ़ जाता हूँ। इसलिए बोलते हो जल्दी से टाइम पे चढ़ जाना, अभी एक अंकल यहाँ गए। बाय 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 बाय, सबको बाय कर रहे हैं। ट्रेन तो अचानक से फास्ट हो गई एकदम, वाह। दोस्तों ये है बांद्रा टर्मिनल्स, भगवान ये जर्नी अच्छे से कर दे, शिव बोले बाबा। जा रहे हैं हर हर महादेव, भगवान अच्छे से दर्शन करा दे। और ट्रेन एकदम परफेक्ट 5:30 को छुट्टी है। यहाँ पे सब जितने भी इंजन है वो इंजन का सर्विस होता है। तो दोस्तों ट्रेन ने अभी थोड़ा सी स्पीड पकड़ा है। गाइस अभी बोरीवली रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहा है और अभी ट्रेन जाएगी फुल स्पीड। ट्रेन ने अपनी फुल स्पीड पकड़ लिया है, लेकिन रात को ये ट्रेन और स्पीड से भागेगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा। Virar
प्लेटफॉर्म लोग क्रॉस करते हैं ना, यही रीज़न है। अभी का स्पीड देखना, आज सूरत के बाद तो ये ट्रेन 130-140 तक जाता है। तो गाइज अभी आया है सूरत रेलवे स्टेशन, सूरत में स्टॉप है इसका और ये ट्रेन पहुंची है 8:56 पे। तो दोस्तों अभी रात का टाइम है, 9 बज चुके हैं, पूरा अंधेरा हो गया है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। नाइट वर्जन में लाइट चल रही है, देख सकते हैं कुछ रोड 130 किलोमीटर तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात भर जो सोया हूँ ना मैं, उठ ही नहीं पाया और देख सकते हैं दिल्ली आने वाला है, गर्मी है लेकिन मज़ा आएगा। दोस्तों अभी दिल्ली आने ही वाला है, 10 मिनट में दिल्ली आ जाएगा, मैं रात भर जो सोया हूँ ट्रेन में, मज़ा आ गया, कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, आराम हो गया। वैसे तो नॉर्मली मैं सोता नहीं जल्दी ट्रेन में, लेकिन इस बार सो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये दिल्ली अशरफ निज़ामुद्दीन आ गया फाइनली, अब यहाँ पे उतरेंगे। ये देख सकते हैं निज़ामुद्दीन, सोचा था उतना गर्मी है नहीं, ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों ये ट्रेन में मुझे ट्रैवल करना है एक बार, तेजस एक्सप्रेस में, मेरा बहुत दिन से सोचा इसमें ट्रैवल करूँगा, लेकिन टिकट महंगा है, लेकिन करूँगा फर्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अभी मैं बस में हूँ, आनंद विहार जा रहा हूँ, वहाँ से वो ऑटो कर लूँगा। एक्चुअली मैं बस दिखा था, मैं बस के बैठ गया, तो जा रहे दोस्तों बस करके मैं आनंद विहार तक आया। अब आनंद विहार से ऑटो करके सीमापुरी जा रहा हूँ, बहुत गर्मी है, इतना भी नहीं है मुंबई जैसा, जाऊँगा फ्रेश होऊंगा, थोड़ा बहुत घूमूंगा। तो अब मैं ये ब्लॉग को एंड करता हूँ, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, अब मेरा रेगुलर ब्लॉग आते रहेगा।